हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हार्ड हिटिंग वीलॉग्स और मैं हूं आपका दोस्त रंजीत सिंह तेवतिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इन पर कुल कितना बाहरी कर्ज है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, प्रति व्यक्ति के सिर पर कितना कर्जा है, दूसरा बिंदु। और तीसरा बिंदु है कि आगे इस कर्ज का हमारी जो फ्यूचर इकोनॉमी है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपनी कमेंट भी देना। तो आते हैं हम टॉपिक की तरफ। टॉपिक है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर कुल कितना बाहरी कर्ज है। तो पहले हम इस चलते पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान पर कर्जा इस समय 50 अरब रुपए, पाकिस्तानी रुपए, मीन्स 202 बिलियन डॉलर्स। इमरान खान की सरकार आने से पहले 2018 तक, अगस्त तक, ये कर्जा कुल 30 अरब पाकिस्तानी रुपए था। लेकिन 3.5 साल के ही कार्यकाल में इमरान खान 20 खरब पाकिस्तानी रुपए कर्जा ले चुका है और इस समय पाकिस्तान पर कुल कर्जा 202 बिलियन डॉलर्स है। और देख रहे होंगे आप उसकी टोटल इकोनॉमी 260 बिलियन डॉलर और 290 बिलियन डॉलर के बीच में झूल रही है, लेकिन कर्जा उसने 202 बिलियन डॉलर्स का ले रखा है। आपने देखा होगा इसको, इमरान खान को, जब कभी इनको बाहर से कोई एड मिलती है, सऊदी अरेबिया से, कतर से, चाइना से, यूनाइटेड अरब अमीरात से, जरा सी भी मिलेगी तो आकर के टेलीविज़न पर कैसा ऊंचा बोलेगा और किस तरह से बैठ जाएगा टेलीविज़न पर आकर के, भाई मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, भाई पाकिस्तानियों, भाई आज हमें सऊदी अरब से इतना बड़ा पैकेज मिला है, इतने डॉलर हमें कर्ज के मिले हैं और डेफर्ड पेमेंट पे हमें ऑयल देने का फैसला भी किया है सऊदी अरेबिया ने। तो किस तरह, नहीं, कर्ज की ली हुई रकम को भी कैसा बढ़ चढ़ के बताएगा, पता नहीं इसने क्या तीर मार लिया और क्या इसने पाकिस्तानियों को भाई तोहफा दे दिया है। कर्ज मिलेगा, आएगा, पाकिस्तानियों आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, हमें सऊदी अरब ने, यूएई ने एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने, ये इंटरनेशनल भिखारी पाकिस्तान, इस पे 202 बिलियन डॉलर का कर्जा है और टोटल इसके जो फॉरेन एक्सचेंज हैं वो टोटल जो है 20 बिलियन डॉलर्स हैं। आप हिसाब लगा लीजिए कहाँ से देगा। और निकट भविष्य में पाकिस्तान होने वाला है दिवालिया और ये बैंक्रप्ट हो के ही रहेगा। अब मैं बता दूं कि प्रति व्यक्ति के सिर पर कितना बोझ है, यानी कि जो बच्चे माँ के पेट में और वो जन्म लेने वाले हैं तो जन्म लेते ही उनके ऊपर 2,20,000 रुपये, 2,20,000 रुपये का कर्ज उनके ऊपर चढ़ जाता है। जैसे इस दुनिया में आते हैं तो वो 2,20,000 रुपये का अपने ऊपर कर्जा लेकर आते हैं। ये हालत तो पाकिस्तान की है। दोस्तों, अब चलते हैं अब चाइना की तरफ। चाइना की टोटल इकोनॉमी, जो टोटल जीडीपी है, वो करीब 14 ट्रिलियन डॉलर्स है, 14 ट्रिलियन डॉलर्स, और उस पर कर्ज है 13,000 अरब डॉलर, मींस 13 ट्रिलियन डॉलर्स का उसके ऊपर कर्जा है। और चाइना बहुत, मतलब पूरी दुनिया में उसका हो रहा है, चाइना इतना अमीर है, चाइना इतना है, चाइना वो है, चाइना ये है, उसकी इकोनॉमी इतनी बढ़िया है, इतना एक्सपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया को वो कर्जा बांट रहा है, पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, दूर के ढोल सबको सुहाने लगते हैं। कर्जा है उसके ऊपर 13,000 बिलियन डॉलर्स, मीन्स 13 ट्रिलियन डॉलर्स, और उसकी टोटल इकोनॉमी 14 ट्रिलियन डॉलर्स। तो करीब उसकी टोटल जीडीपी का लगभग 100% चाइना ने कर्जा ले रखा है और ये बाहरी कर्जा
उसे दिवालिया करने वाला है। निकट भविष्य में चाइना को दूसरे अफ्रीकी देश, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, इन सबको कर्जे के जाल में फंसाने का पूरा पूरा हिसाब देना पड़ेगा। और अब मैं आपको ये बता दूं कि चाइना के हर व्यक्ति पर कितना कर्जा है। चाइना के हर व्यक्ति पर 6,80,000 रुपये, 6,80,000 रुपये। यानी जब भी बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आता है तो वो 6,80,000 रुपये का कर्जा लेकर के पैदा होता है। ये चाइना की हालत है। अब आते हैं भारत की तरफ। भारत पे कुल $572 बिलियन का कर्ज है, $572 बिलियन। और हिंदुस्तान के हर आदमी पर 31,000 रुपये, 31,000 रुपये भारतीय रुपये के बराबर हर व्यक्ति पर कर्जा है। और बांग्लादेश के हर व्यक्ति पर 20,000 रुपये का कर्ज है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान जो दोनों ही कंट्री, आप जानते हैं, जो सिविल राइट्स को क्या करते हैं, दमन करते हैं, ह्यूमन राइट्स को कुचलते हैं, कोई आज़ादी नहीं, कोई प्रेस की आज़ादी नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, किस तरह पत्रकारों को उठा उठा करके और मारा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, उनके बोलने पर, उनको खबर देने पर पाबंदी लगाई जाती है। और चाइना तो खैर आप जानते ही हैं, वहाँ से तो कोई भी खबर, चाहे वो इस महामारी की खबर हो, इकोनॉमी की खबर हो, कोई भी खबर आप वहाँ से आप प्राप्त नहीं कर सकते और न ही वहाँ से खबर कुछ जारी होती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपनी राय भी दें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।